किसी भी वर्ड फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या आपको पता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे वेज के बारे में जिसकी मदद से आप आसानी से ही कोई भी वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हेलो, नमस्कार, और आप देख रहे हैं द पी सी लर्नर्स। सो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने एक रैंडम जो है वर्ड फाइल पे कुछ लिख रहा है, कुछ रैंडम टेक्स्ट हैं और कुछ जो है इमेजेस या फिर सिंबल्स या फिर ड्राइंग्स जो हैं आप कह सकते हैं कि इसमें मैंने यूज़ की है। तो अभी जो है ये एक सिंपल वर्ड की फाइल है, तो इसे आप कैसे जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे? तो बहुत ही ईजी मैथड है इसका। ये जो है अभी ऑफिस 2019 जो है वो इंस्टॉल हो रखा है। अगर आपके पास कोई प्रीवियस वर्जन है तो उसमें भी आप ये मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही ओल्ड वर्जन है तो आप क्या कर सकते हैं वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको आना है फाइल पे और यहाँ पर सेव एज पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आप जिस भी लोकेशन पर आप अपनी फाइल जो है वो सेव करना चाहते हैं उस पे आपको वो लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मैं कोई भी जहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको डालना है फाइल का नाम, इसका नाम मैं डाल देता हूँ फर्स्ट। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सेव एज टाइप का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको पीडीएफ जो है इसे सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली ही कर देना है सेव। तो आपकी जो ये फाइल है ना ये डायरेक्ट ही पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने सेव करी थी डाउनलोड्स पर, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक भी वैसे ऑन हो चुकी है, ये देखिए। सो आपकी जो फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ऑन हो चुकी है। अडोब के रीडर पे ये फाइल ओपन है और यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्स्ट डॉट PDF नाम से ये फाइल जो है वो सेव हो गई है। तो देखा आपने कि आप कितने इजीली ही जो है एक वर्ड फाइल को, सिंपल वर्ड फाइल को PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ओल्डर वर्जन है या आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ नहीं करते या वर्ड यूज़ नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल जो भी आपकी वर्ड फाइल है इसको मैं सेव कर लेता हूँ एज अ वर्ड फाइल, डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। तो इसका नाम मैं डाल देता हूँ कन्वर्ट, जिससे हमें पता लगेगा कि हमें यह फाइल कन्वर्ट करनी है। तो इस वर्ड फाइल को जो है वो मैंने सेव कर लिया है कन्वर्ट के नाम से, और सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट है ये। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्रोम पर या फिर कोई भी ब्राउजर जो है अपना वो ऑन कर लेना है, और यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट जो है वो फ्री हैं, सबका लगभग सेम ही जो है वो फॉर्मेट होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी फाइल को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने सेव करी थी डेस्कटॉप पे कन्वर्ट, और यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। तो अब आपकी जो फाइल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। ये आप पीडीएफ का प्रीव्यू देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कंप्रेस करना चाहते हैं, इसको इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या मल्टीपल पीडीएफ को मर्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है कर सकते हैं। लेकिन सिंपली ही आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है और आपकी वर्ड फाइल जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फाइल जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो गई है। अब आप में से बहुत सारे जो लोग होंगे, जो बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं,
उनको ये डाउट होगा कि बहुत सारी साइट्स जो है वो सेफ नहीं होती। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो जिस साइट को आप यूज करें वो शायद सेफ ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी पीडीएफ को वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें हमने ड्राइव का यूज किया था। तो आप उस सेम मेथड से ही क्या कर सकते हैं, वर्ड फाइल को ओपन कर लीजिए और उसको डाउनलोड एज पीडीएफ या सेव एज पीडीएफ फॉर्मेट में करेंगे ड्राइव से, तो आपकी जो वर्ड फाइल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। वीडियो अगर यूजफुल है आपके लिए तो इसे लोगों के साथ और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पर भी हम रेगुलरली जो है कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट डालते रहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना।